इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्रैंक लैंड अभिक्रिया क्या होती है। देखिए फ्रैंक लैंड अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या होती है फ्रैंक लैंड अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड वाले ठीक क्रिया करते हैं जिंक धातु से, ठीक किससे क्रिया करेंगे, जिंक धातु से, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें क्रिया करते हैं, बनाते क्या है, ये चीजें चलिए इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं। देखिए हमने कहा कि एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड के साथ देखिए जो होता है इसमें है एल्किल आयोडाइड। क्या है, एल्किल आयोडाइड किनसे क्रिया करता है, जेडियन का मतलब क्या हो गया, जिंक धातु हो गया। ठीक, उपस्थिति क्या होती है इसमें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो बनता क्या है, डबल आर बन जाता है, यानी एल्केन बनते हैं, और इसके साथ प्राप्त हो जाता है जेडियन के साथ आई टू प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसको बैलेंस करने के लिए दो से गुणा कर लेते हैं। देखिए यही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, इसी अभिक्रिया को कहते क्या है, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया कही जाती है। ठीक, कौन सी अभिक्रिया है, देखिए कौन क्रिया कर रहा है, यह है एल्किल आयोडाइड। यहाँ क्या बोलेंगे, एल्किल आयोडाइड, जब यक्स होता तो हैलाइड। ठीक, एल्किल आयोडाइड जिंक धातु से क्रिया करके किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, एल्केन, यानी इनका नाम क्या है, इनका नाम होगा कि ये बना रहे हैं एल्केन, और यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है फ्रैंक लैंड अभिक्रिया। चलिए आर का कुछ मान रखते हैं, क्या होगा, सी एच थ्री आई को आई रहने देते हैं, इसके साथ प्लस हो गए, जेडियन हो गया, बैलेंस करने के लिए टू से मल्टीपल कर लिया गया है, उपस्थिति किसकी है, शुष्क ईथर की, क्या बन रहा है, डबल आर हो गया, यानी आर का मान क्या रखे थे, सी एच थ्री, यहां भी क्या हो जाएगा, सी एच थ्री प्लस क्या बन जाएगा, प्लस जेडियन के साथ बन जाएगा आई टू, यानी जिंक आयोडाइड। ठीक, क्या बन गया, ये आपके पास क्या थे, एल्किल, क्या थे, एल्किल आयोडाइड, ठीक जिंक धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बना रहा है, एल्केन बना रहा है, यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये अभिक्रिया होती है फ्रैंक लैंड अभिक्रिया होती है। ठीक, तो ऐसे छोटे छोटे अभिक्रिया हैं, जितनी अभिक्रिया हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सब के सब अभिक्रिया रट जाइए, तैयार हो जाइए, पूरे तरीके से एकदम रट लीजिए, श्योर है कि पेपर में आपको 5 से 6 अभिक्रिया मिलनी ही मिलनी है, इसलिए जितनी अभिक्रिया सभी करा दी जाएगी आपको अभिक्रिया। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है, एल्किल आयोडाइड, ठीक जिंक धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बना रहा है, एल्केन बना रहा है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय जय भारत।